वहीं खबर बांदा से है जहां पर सरकारी अस्पतालों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं और यहां पर डॉक्टर धड़ल्ले से मरीजों को बाहर की दवाएं लिखते हैं जिससे कमीशन का खेल चलता है। और इस मामले में सीएससी अधीक्षक ने बताया है कि जांच के बाद जो भी डॉक्टर या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में दो तीन महीने से मारा है लेकिन आराम है, लेकिन आज रात की दिक्कत हो गई। अच्छा, तो दवा दी है डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने दवा हाँ दी है, लिखी है तो दवा। कहाँ से लिखा है? बाहर के लिए लिखा है क्या? हाँ। कितने की मंगाई है दवा? जिसने भी बाहर की दवाई लिखी है जिस डॉक्टर ने या कर्मचारी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तत्काल आज ही कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कार्रवाई होगी और ये बाहर से दवाएं क्यों आखिर मंगाते हैं जब सभी दवाएं जो भी दवाएं मंगा रहे हैं गलत है, सारी दवाएं उपलब्ध हैं और जिन जिनसे भी बाहर से दवाई मंगाई गई है उससे खबर चंदौली से है जहां पर आकाश बिजली ने कोहराम मचा दिया है। आपको बता दें कि आकाश बिजली गिरने की वजह से एक की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। चंदौली में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 161 पेटी शराब बरामद की है जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। विगत कुछ दिवस से ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि अंग्रेजी शराब तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 19/7 को लगभग रात के 9 बजे SHO अली नगर को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बलेरो पिकअप में शराब की तस्करी की जाने की सूचना है। उक्त सूचना को के आधार पर चकिया चौराहे पर घेराबंदी की गई और वहाँ एक सफ़ेद बलेरो पिकअप जो है वो वहाँ पर दिखाई दी। जैसे ही उसे रोकने के लिए इशारा किया गया तो उसके ड्राइवर और खलासी कूद करके भाग गए और गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 161 पेटी शराब, अंग्रेजी शराब, जो लगभग 1391 लीटर है और जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 9 लाख रुपए है, बरामद की गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जनपदीय एवं थाना स्तर पर टीम का गठन कर दिया गया है और साथ ही में इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर। वहीं बलरामपुर में रेत माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से खनन जारी और इसके विरोध में अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां ओवरलोडिंग खनन से सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की तरफ से रेत माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक प्रशासनिक अमला आए हैं लेकिन इस विषय में अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई है। वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन अभी हम लोग के सामने वो क्या कार्रवाई की है स्पष्ट नहीं हुआ। इतना दिन होने के बावजूद भी अगर प्रशासनिक अमला आपके पास नहीं आ रहा है और ये धरना प्रदर्शन के बारे में मूवमेंट नहीं कर रहा है तो क्या आगे के का कदम क्या रहेगा आप लोग का? आगे हम लोग का धरना प्रदर्शन तक ऐसी कंटिन्यू जारी रहेगा, चलते रहेगा धरना प्रदर्शन। और हम लोग को विश्वास है, हमारे टीम के ऊपर हमें विश्वास है, हमारे जो वरिष्ठजन है उनके मार्गदर्शन में जैसा हम काम कर रहे हैं प्रशासन को एक दिन हमारे बातों को मानना पड़ेगा। वही खबर रतलाम से है जहां पर राजनगर निगम चुनाव में मतगणना हुई है जिसके तहत भाजपा प्रत्याशी ने महापौर पद पर भारी अंतराल से जीत दर्ज की है। आपको बताते कि भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद ने कांग्रेस प्रत्याशी को 8591 वोटों के भारी अंतराल से हराया है। वही खबर रीवा से है जहां पर महापौर के पद पर करीब 25 वर्षों से लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। भाजपा के इस विजय रथ को कांग्रेस के अजय मिश्रा बाबा ने रोक दिया है। महापौर पद के लिए कांग्रेस से प्रत्याशी रहे अजय मिश्रा बाबा ने 1282 वोटों से जीत यहां पर दर्ज की है। बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने हर वार्ड में जीत दर्ज की है। वहीं खबर कर्नाटक जिले से है जहां पर ADGP आलोक कुमार के नेतृत्व में शांति वार्ता की गई और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया है और प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान उन्होंने बताया है कि जल्द ही प्रशासन अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए नए हथकंडे अपनाएगा और जो भी अपराधी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वही खबर हमीरपुर से है जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सोते हुए पाए गए हैं। आपको बता दें कि स्कूल में छात्र मौजूद थे और इस दौरान प्रधानाध्यापक सो रहे थे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने यह कहा है कि इसकी जांच की जा रही है। अगर प्रधानाध्यापक दोषी पाए गए हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं खबर अमेठी से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद अमेठी की तिलोई विधानसभा से विधायक एवं राज्य मंत्री संसदीय कार्य चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री मयंकेश्वर शरद सिंह जी के निवास राजभवन तिलोई में उनके छोटे भाई स्वर्गीय अभिषेक शरद सिंह उप लाल बाबा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें बधाया है, साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं आगरा से खबर है, जहां पर एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी को बिजली के खंभे से बांधकर डंडे से जानवरों की तरह पीटा है और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित पत्नी के भाई ने थाना सिकंदरा में की है। वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस ने जल्दबाजी दिखाते हुए बेरहम पति को हिरासत में ले लिया है, साथ ही साथ मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबर आगरा से है, जहां पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सांख्यिकी शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय प्रमुख विवेक श्रीवास्तव के द्वारा किया गया है और इस शिविर में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस शिविर में सांख्यिकी विभाग से संबंधित जानकारियां जो है वो लोगों को दी गई है। मैं अलीशा खाना हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर, और मैं फील्ड ऑपरेशन डिवीजन हेडक्वार्टर से यहाँ पर आई हूँ एज ए ऑब्जर्वर। हमारा जो सर्वे है ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, ये इस साल 10 साल के गैप के बाद हो रहा है और हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस सर्वे को 1950 से करती हुई आ रही है। ये इकलौता सर्वे है जो सबसे पुराना है और रेगुलरली होता है। इससे एम्प्लॉइज को बेनिफिट डायरेक्टली तो नहीं है, ये पूरा पॉपुलेशन के लिए एक सर्वे है, जिससे हमारी गरीब रेखा की कितनी ऊपर उठी या नीचे गई, हाउस होल्ड कंजम्पशन पैटर्न, उसमें एजुकेशन पर कितना एक्सपेंडिचर है या हाउस होल्ड ड्यूरेबल पर क्या एक्सपेंडिचर है, उसके विषय में विस्तृत जानकारी आएगी जो पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट यूज करेगी। मैं विवेक श्रीवास्तव, मैं निदेशक और क्षेत्रीय प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय आगरा। एक सर्वेक्षण होने वाला है जो कि पारिवारिक के ऊपर जो जानकारी इसमें इकट्ठी की जानी है। इस सर्वेक्षण में जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं एक परिवार इस्तेमाल करता है उनके पे कितना वो व्यय करता है, कितना खर्च करता है उसकी जानकारी है। और इसका इस्तेमाल जो है भारत सरकार अपनी अलग अलग परियोजनाओं या योजनाओं पर करता है। मूल उद्देश्य सर्वे का ये है, सर्वेक्षण का, कि जो व्यय निकलता है इससे गरीबी रेखा बनाने में इसका। खबर मध्य प्रदेश के देवास से है, जहां पर नगर निगम चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं। आपको बता दें कि कुल 15 वार्डों की मतगणना यहां पर की गई है, जिसमें 12 वार्डों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है, जबकि 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है, जबकि 1 सीट पर बसपा ने यहां पर कब्जा जमाया है। लोगों ने बताया है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस मुक्त हुआ है। जितने भी मतदाता है ये जीत उनकी, मेरे लिए जीतने के बाद जो है जनता से जो आपने वादे किए हैं उसके कहाँ तक अपन खड़े करेंगे, पूरे पूरे खड़े करेंगे 100% और जो भी इनका काम है, जो निर्माण काम होता है, गन्ने का काम होता है, नाली का काम होता है, नल की समस्या है, जो भी समस्या नगर पंचायत की आएगी उसको हम पूरा करके देंगे। मैं समस्त नंबर वार्ड 1 के मतदाताओं को देना चाहता हूँ, बाकी इन लोगों ने बहुत सहयोग किया मेरा, मुझे तो पहले ही पूर्व पार्षद ने बिल्कुल ऐसा जुलूस निकाल दिया था उन्होंने कि किसी प्रकार से एक तरफा कॉलोनी हो रही, पर मेरे युवा साथियों ने जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो इस मंजिल को पहुंचाने का काम किया है, मैं सभी दोस्तों भाइयों का बुजुर्गों का धन्यवाद देना चाहता हूं। सुना है वार्ड नंबर 1 के
मतदाताओं को आपने जो है बड़े बड़े आश्वासन दिए हैं, बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी घोषणा की है, उन पे आप कितने खरे उतरेंगे? बिल्कुल, मैंने जो घोषणाएं की है, लक्ष्य है हमारा वो घोषणाएं पूरी करना। लक्ष्य ऐसा है कि लक्ष्य आप करोगे तो हार आपके जीवन में कभी नहीं मिलेगी, तो लक्ष्य। वही खबर कानपुर देहात से है, जहां पर तहसील अकबरपुर क्षेत्र के ग्राम बिगाही में पिछले 13 दिन पहले करंट लगने से एक बंदर की मौत हो गई थी, जिसमें कि पूर्व ग्राम प्रधान की अगुवाई में ग्राम वासियों के साथ वानर का अंतिम संस्कार हुआ था। वहीं 13 दिन बीत जाने के बाद आज अखंड रामायण का पाठ कर वानर की आत्मा की शांति के लिए गाँव के हजारों लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त कर प्रार्थना की, वही 13वीं संस्कार भी किया है। खबर रीवा से है, जहां पर महापौर के पद पर करीब 25 वर्षों से लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। भाजपा के इस विजय रथ को कांग्रेस के अजय मिश्रा बाबा ने रोक दिया है। महापौर पद के लिए कांग्रेस से प्रत्याशी रहे अजय मिश्रा बाबा ने 10,282 वोटों से यहां पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने हर वार्ड में जीत दर्ज की है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।